हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में दोबारा से खेलने जा रहे हैं गाइस एक नया गेम प्ले। तो गाइस आज हम गेम खेलने जा रहे हैं वो है गाइस एक हॉरर गेम और उस गेम का नाम है विच क्राय। तो बेसिकली गाइस मैं इस गेम में बता देता हूँ होने क्या वाला है। गाइस एक चुड़ैल होती है जिसने हमें अपने घर में बंद कर दिया है, मतलब चुड़ैल के घर में, और वहां से गाइस हमें एस्केप करना है। तो देखते हैं गाइस हमारे पास क्या क्या मुसीबतें आती है उसके इस घर से एस्केप करते हुए। तो गाइस अब वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो को देख के। तो गाइस अब वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस गेम स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक डायरी दिख रही है जहां पर लिखा हुआ है गाइस विच क्राय। तो विच का मतलब गाइस होता है चुड़ैल। तो गाइज यहाँ पर मैं इस डायरी पे क्लिक करता हूँ। देन गाइज यहाँ पर डिफिकल्टी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो गाइज यहाँ पर मैंने डिफिकल्टी सेलेक्ट कर दी है नॉर्मल। और गाइज यहाँ पर मैंने अपने चैनल का भी नाम लिख दिया है एजी बॉस गेमिंग। गाइज यहाँ पर मुझे वैसे किसी कैरेक्टर का नाम लिखना था लेकिन गाइज यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके गाइज एक बार सब्सक्राइब कर देना। गाइज यहाँ पर मैं स्टार्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। देन गाइज यहाँ पर इंट्रोडक्शन शुरू होता है। हॉरर हाउस, ओके गाइस चैप्टर वन, एज ही डिड एवरी नाइट एजी बॉस गेमिंग। जैसे गाइस मैंने कहा था यहाँ पर मुझे कैरेक्टर का नाम लिखना था लेकिन गाइस मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। क्रॉल इनटू बेड रेडी टू स्लिप, ओके गाइस यहाँ पर एक बच्चा इस बेड पे सोने के लिए तैयार था बट जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू फॉल ए स्लिप द विंडो ब्रश्ड ओपन मेकिंग ए लाउड नॉइज। तो गाइस कह रहे हैं जैसे सोने लगा तो वहाँ पर एक खिड़की थी जो कि गाइस बहुत तेज़ से खड़खड़ाने लगी और जिससे गाइस शोर हो गया। तो ये उठ गया, उसके बाद गाइस स्टार्ट रन एंड हाइड अंडर द बेड। उसके बाद ये गाइस ये डर चुका था और ये अपने बेड के नीचे छुप गया था। उसके बाद ये धीरे धीरे गाइस आगे गया और गाइस इसने एक स्लिंग शॉट भी उठा ली थी जिससे अगर कोई खिड़की पे हो तो ये उसे शूट कर पाए। लेकिन गाइस के बाद क्या हुआ, उसके बाद गाइस खिड़की पे एक अनजाना चेहरा आया और गाइस वो हो सकती है चुड़ैल जिसने इसे किडनैप कर दिया है। और किडनैप करके गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रिजन में गाइस बंद कर दिया। तो गाइस यही है स्टोरी इस कहानी की। और गाइस अब हमें यहाँ से निकलना है सेफली उस चुड़ैल के चंगुल से। तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है और मेरे पास गाइस अभी एक स्लिंग शॉट है। मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ जगह ढूंढना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर लॉक लगा हुआ है जो कि खुलने वाला नहीं है। और गाइस यहाँ पर मेरे पास स्लिंग शॉट है, ये क्या है गाइस, यहाँ पर ये कुकीज़ है, इसे मैंने खा लिया है। ओके गाइस अगर मैंने 4 कुकीज़ खा लिया तो मुझे 1 लाइफ एक्स्ट्रा मिल सकता है। यहाँ पर क्या है गाइस, ये मना कर रहा है खाने के लिए। ओके गाइस यहाँ पर मेरे पास स्लिंग शॉट है और यहाँ पर गाइस आप चाबी देख सकते हैं, मैं इसका यूज़ करके इसे गिर सकता हूँ नीचे। गाइस मैंने इसका यूज़ कर दिया है और गाइस चाबी अब गिर चुका है नीचे और अब मैं इसे लगा देता हूँ और इस प्रिजन को खोल देते। तो गाइस फाइनली प्रिजन खुल चुका है और हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। गाइस यहाँ से मुझे और कुछ देखने को मिल सकता है, नहीं गाइस ये एक फ़ोटो है जिसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब फ्रेम है उसके अंदर कुछ नहीं है। और यहाँ पर एक हाई फाई देना है क्या हमें इसे, ये हमें पास बुला रहा है, मना कर रहा है, इसे मैं खोल सकता हूँ। अरे भाई भाई ये मुझे मार रहा है, कह रहा मुझे हाई फाई दे, मैंने इसे हाई फाई भी दिया, इसने मुझे पास बुलाया और मना कर रहा। अगर मैं इस बॉक्स को खोलने के लिए, अरे भाई सब मत मार भाई मत मार, मैं जा रहा हूँ, तू मार क्यों रहा है मुझे यार, ये तो चीटिंग कर रहे हैं यार, थप्पड़ मारते हैं गाइस गेम में बुला के, बताओ यार कोई बात होती है। यहाँ पर गाइस ये देखिए प्लेस, ये सांस ले रहा है, सूंघ रहा है, मुझे नहीं पता गाइस, मेरे ख्याल से ये सूंघ रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ लानी पड़ेगी जिसे ये सूंघ सके। चलते हैं नीचे और देखते हैं गाइस यहाँ पर आप एक देख सकते हो घड़ी और इसमें गाइस एक ही सुई है, दूसरी सुई कहाँ गई मुझे नहीं पता। गाइस नीचे चलते हैं और देखते हैं कुछ और चीज़ हमें मिल जाए। और यहाँ पर गाइस मुझे ध्यान भी रखना पड़ेगा वो चुड़ैल मुझे कहीं मिल ना जाए। यहाँ पर एक डोर है, मैंने इसे ओपन कर दिया और मैं यहाँ पर एक रूम में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर ओल्ड टाइम की गाइस ये म्यूज़िक मशीन रखी पड़ी है। और गाइस यहाँ पर एक और रूम है, बाथरूम लग रहा है गाइस यहाँ पर। ओ ये क्या है, सॉक्स, एकदम सड़े हुए सॉक्स। ओके गाइस मैं समझ गया, मुझे इस सॉक्स को उसी जगह पर ले जाना। और गाइस यहाँ पर आप देखिए इसने मुंह में क्या दबा रखा है, मेरे को गाइस नज़र कैसे बनाया हुआ है, कहीं ये बता देगा चुड़ैल को कि मैं कहाँ हूँ, नहीं गाइस ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। चलिए गाइस सॉक्स को लेके चलते हैं यहाँ पर। और गाइस मैं क्या इसे लगा सकता हूँ, जी हाँ गाइस मैंने इसे लगा दिया। और ये सड़े हुए सॉक्स को सुन के क्या ये गेट खोलने वाला है,
जी हाँ गाइस, इसने सड़े हुए सॉक्स को सुन के ये गेट खोल दिया। अब सूंघता रहा भाई, मेरा तो काम हो गया। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एक सीक्रेट रूम पे, और गाइस यहाँ पर एक ऊपर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर किस चीज़ का है, कुछ मिलेगा गाइस यहाँ पर? मुझे ढूंढना पड़ेगा गाइस चारों तरफ। गाइस यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ मिला है, मैजिक बुक। ओके गाइस, इसे मैंने देखता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पर इसने 4 स्टेप लिया है। फर्स्ट स्टेप में इसने एक बॉल को पकड़ा है, सेकेंड स्टेप में फेंक दिया है, थर्ड स्टेप में गाइस दूसरे बॉल को पकड़ा है, क्योंकि गाइस आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में 2 बॉल है, और फोर्थ स्टेप में गाइस इसने ऊपर नीचे से मूव किया है, और 5वें स्टेप में गाइस ये टेलीपोर्ट हो गया है। तो गाइस मैं समझ चुका हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। इससे पहले मुझे गाइस 2 बॉल ढूंढने पड़ेंगे गाइस, इसे मैंने यहीं फेंक दिया है। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं और कुछ मुझे मिल जाए काम का। गाइस यहाँ पर आप स्नैक देख सकते हैं। अरे भाई दे दे, क्या पकड़ के बैठा है, ये क्या पकड़ के बैठा है गाइस? मुझे नहीं पता, ये मुझे दे भी नहीं रहा। यहाँ से गाइस जल्दी से चलते हैं नीचे। यहाँ पर मुझे कुछ काम की चीज़ तो मिली नहीं, लेकिन गाइस वहाँ पर मुझे एक बॉल का वो सीक्रेट चीज़ पता चला। और यहाँ पर गाइस ये बंद क्यों किया गया, पुट ऑफ। ओके गाइस, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा स्क्रू सा ला के इसे खोलना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से जा सकता हूँ दूसरी जगह। गाइस यहाँ से और कुछ तो मुझे मिला नहीं। चलते हैं गाइस बाहर और देखते हैं गाइस बाहर हमें क्या मिलता है। गाइस यहाँ से गाइस नीचे चलते हैं, और गाइस नीचे जा रहा हूँ मैं। गाइस यहाँ से मैं आ चुका हूँ अब जल्दी से नीचे। और गाइस ये है गाइस वो मेन डोर, और गाइस यहीं कहीं चुड़ैल हो सकती है। गाइस यहीं वो मेन डोर जहाँ से मैं एग्ज़िट कर सकता हूँ। ओके गाइस, ये 3 टोकन हो सकते हैं इस साइन के, और मैं यहाँ इन तीनों को लगा के सीरियल वाइज यहाँ से निकल सकता हूँ। जो इस नेक ने टोकन पकड़ा था गाइस, वो इन 3 टोकन में से एक है गाइस। मुझे उससे वो टोकन लेना होगा। उससे पहले गाइस मैं यहाँ से और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर गाइस 2 दरवाजे हैं, इसे मैंने खोल दिया है। और गाइस ये कहाँ जाता है मुझे नहीं पता। गाइस एक यहाँ और दरवाज़ा है, इसे भी मैं खोल देता हूँ। मुझे बच के भी रहना पड़ेगा गाइस उस चुड़ैल से, कहीं वो आके मुझे पकड़ ना ले। गाइस यहाँ से मैं और कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाइस मुझे कुछ मिल नहीं रहा। देखते हैं गाइस आगे वाले रूम में जाके, यहाँ पर भी एक डोर है, और यहाँ पर कोई है? ये भाई ये रूम में भी कोई नहीं है। और गाइस यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ मिल चुका है, ये क्या है गाइस? ये क्रोबार है। ओके गाइस, मैं इस क्रोबार से उस स्क्रू को खोल सकता हूँ। यहाँ से एक रास्ता है, ये सीक्रेट रास्ता ऊपर जाने का। मैं आ चुका हूँ ऊपर, और गाइस मैं जाने वाला हूँ सिंपल उसी रूम में। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं क्या ये इससे खुल सकता है। ओके गाइस, ये इससे खुल चुका है, और यहाँ पर गाइस एक सीक्रेट टनल खुल चुकी है। इसमें जाने वाला हूँ, इसे फेंक देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। और गाइस यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा या फिर नहीं, इसे पुश करना है। और यहाँ से गाइस नीचे जाने का ये रास्ता है, लेकिन मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे यहाँ कुछ और ढूंढना है। गाइस यहाँ पर एक और चीज़ मिल चुकी है, यहाँ पर एक आई का साइन आ रहा, मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ, और इसे मुझे रोटेट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर गाइस एक घड़ी है जो कि नीचे लटकी हुई है, इस पर बज रहे हैं गाइस 7। क्या मैं उस पर 7 बजा के कुछ पा सकता हूँ? ओके गाइस, मैं जैसे 7 बजाऊंगा वहाँ से क्रो निकलेगा, और वो मुझे पंख देगा, इसका पंख का यूज़ हो सकता है गाइस। तो गाइस ये भी मैं समझ चुका हूँ, मुझे 7 बजाने उस घड़ी में। लेकिन गाइस बड़ी बात यह है, वहाँ पर गाइस सिर्फ एक ही सुई है, मुझे सबसे पहले दूसरे सुई का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जिससे मैं वहाँ पर 7 बज जा पाऊँ। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ गाइस यहाँ पर एक ही सुई है। गाइस मैं दूसरी सुई का इंतज़ाम करने वाला हूँ। गाइस मेरे को लग रहा है वो नीचे मिल सकता है मुझे। और गाइस अभी तक मुझे वो चुड़ैल भी नहीं दिखी। और गाइस आप ये देख सकते हैं, यही वो फोटो चुड़ैल का, कितनी बुढ़ी खतरनाक है, पकड़ के ले आई हमें यहाँ पर। यहाँ पर गाइस मैं इस दूसरे डोर को ओपन करता हूँ, और गाइस ये है वो चुड़ैल, और इसने मुझे देख लिया। नहीं गाइस, इसने मुझे देखा नहीं है, मैं आराम आराम से जाऊँगा। और गाइस ये दूसरे रूम में जा चुकी है, क्या उस रूम में कुछ हो सकता है? गाइस यहाँ से एक और रूम का डोर मुझे दिख रहा है, क्या चुड़ैल इसी रूम में आई है? जी हाँ गाइस, ये चुड़ैल इसी रूम में आई है। मेरे को भागना पड़ेगा, ये मेरा पीछा कर रही है। अब गाइस इसे कन्फ्यूज़ कर देते हैं। यहाँ से मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है, ये ऊपर जाएगी और मैं नहीं आऊँगा नीचे इस सीक्रेट रास्ते से। गाइस यहाँ से मैंने इसे खोल दिया है, और यहाँ से गाइस ये पैर है। ओके गाइस, ये उसी का पैर है जो गाइस बाहर घूर रहा है मुझे। और गाइस यहाँ पर एक कांटे वाला चम्मच है गाइस, क्या मैं इसे निकाल सकता हूँ? जी हाँ गाइस, मैंने इस फॉर्क को निकाल दिया है, और गाइस मुझे ऐसा लगता है ये सुई की तरह काम कर सकता है उस घड़ी में। तो गाइस मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ और इसे लगा देता हूँ इस घड़ी में। मेरे को गाइस चुड़ैल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता गाइस वो यहाँ होगी। गाइस मैंने लगा दिया है, और अब टाइम आ चुका है गाइस 7 बज जाने का। गाइस यहाँ पर मैंने इस सुई को यहाँ सेट कर दिया है,
इसे यहाँ सेट कर दिया है। बैठ चुक तू भाई, सब डरा क्यों रहा यार, आ ना जाए चुड़ैल सी आवाज़ सुन के। गाइज यहाँ पर इसने मुझे पंख दे दिया है और मुझे ऐसा लगता है गाइज इस पंख का यूज़ मैं कर सकता हूँ। भागना पड़ेगा यार, ये कहाँ आ रही है भाई साहब, ऊपर जाना पड़ेगा। देखते हैं गाइज क्या हमारा ये पीछा यहाँ तक करेगी या फिर नहीं, ये देखते हैं गाइज। यहाँ वेट करते हैं थोड़ा सा, क्या वो ऊपर आएगी या फिर नहीं। मुझे नहीं लगता गाइज उसने मुझे देखा है ऊपर आते हुए, क्या वो कन्फ्यूज़ हो गई है। ओके गाइज वो यहाँ से जा चुकी है नीचे। गाइज चलते हैं नीचे और देखते हैं गाइज क्या यूज़ होगा गाइज इस पंख का। गाइज मुझे ऐसा लगता है मैंने उस आदमी का पैर देखा था और उसके पैर में मुझे गाइज लग रहा है इस पंख से गुलगुली सी करनी है, जिससे उसने जो मुंह में जो लिया है गाइज, यहाँ पर इसने मेरे को देख लिया। आप देख सकते हैं इसने मुंह में एक हाथ पकड़ा है और गाइज ये हाथ नीचे गिर सकता है, जिसके कारण मैं कुछ चीज़ वहाँ से पा सकता हूँ उस हाथ के ज़रिए से। गाइज सबसे पहले मेरे को इससे बच के रहना पड़ेगा गाइज इस चुड़ैल से। आजा ऊपर आजा, आ गई गाइज इस बार मेरे पीछा करते करते ऊपर आ चुकी है और मैं भाग के जाने वाला हूँ जल्दी से नीचे। और गाइज मुझे पता है अब इस घर का अच्छे तरह से लोकेशन, तो मैं इसे बचते बचाते आराम से गाइज नीचे आ जाऊँगा। और गाइज यहाँ पर ये पैर है, इस पैर पे क्या मैं गुलगुली कर सकता हूँ। जी हाँ गाइज जो मैंने सोचा था ये वैसा हो रहा है और इसकी हालत ख़राब हो रही है। गाइज जल्दी से हंस ले भाई साहब, जल्दी से पूरा हो जा, नहीं तो वो आ गई ना हालत ख़राब कर देगी। गाइज आप सुन सकते हैं यहाँ पर गिरने का आवाज़ आया और गाइज चुड़ैल ऊपर है। और क्या उसने मुझे देखा है, मुझे नहीं लगता उसने मुझे देखा है, लेकिन गाइज मुझे सावधानी रखनी तो पड़ेगी। तो ऊपर चलते हैं, चलते हैं यहाँ पर पीछे से उसके। और चुड़ैल काश एक कमरे में चली गई हो भाई, एक कमरे में चली गई हो। यहाँ से मेरे को ये हाथ उठाने की ज़रूरत है, लेकिन गाइज ये तो कहीं जा ही नहीं रही। आ जा भाई पीछे आ, तू मेरे पीछे आ, पीछे आ। आ गई गाइज, इसको घुमाना पड़ेगा गाइज एक बार, तभी मैं यहाँ से हाथ उठा सकता हूँ, नहीं तो मुझे उठाने नहीं देगी यहाँ से। गाइज मैं जाने वाला हूँ बेसमेंट के रास्ते से। गाइज ये एक सीक्रेट रास्ता है यहाँ से बाहर जाने के लिए चुड़ैल से बच के। गाइज मैं इसे कंफ्यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से गाइज मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, मैंने हाथ उठा लिया है और गाइज से स्क्रीन वाइब्रेट हुआ जैसे कि वो मेरे पो आके मुझे पकड़ लिए यहाँ पर। गाइज और कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, इस सीक्रेट रास्ते से मैं जाने वाला हूँ ऊपर। और गाइज बचते बचाते मैं चुड़ैल से आ चुका हूँ ऊपर। और गाइज क्या वो सबसे ऊपर तो नहीं है भाई, कहीं आके धप्पी दे दे मुझे। नहीं गाइज मुझे नहीं लग रहा वो ऊपर है। और गाइज मुझे समझ आ चुका है इस हाथ का यूज़ कहाँ करना है। मुझे इस हाथ का यूज़ गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये हाई फाइव देने के लिए कर सकता हूँ। और देखते हैं गाइज इस बार क्या ये मुझे पहचान पाएगी। ओके गाइज ने पहचान लिया और यहाँ पर इसने विनाइल दे दिया। और गाइज मेरे को पता है इसका यूज़ कहाँ करना है, मेरे को पता है मेरे को इसका यूज़ कहाँ करना है। गाइज उस रूम में मैं गया था, ये कि यहाँ पर एक रूम है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रूम में गाइज ये म्यूज़िक का सिस्टम रखा हुआ था। गाइज यहाँ पर मैं इसे लगा सकता हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं लगाऊंगा वो चुड़ैल गाइज पक्का आने वाली है। गाइज यहाँ पर मैं छुप जाता हूँ और देखता हूँ गाइज क्या वो आती है या फिर नहीं। और यहाँ पर गाइज म्यूज़िक तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन गाइज चुड़ैल आ नहीं रही। गाइज वो आ चुकी है और गाइज वहाँ पर कुछ चमक रहा है इसके, क्या ये जादू की छड़ी है। कि गाइज यहाँ पर मैंने जादू की छड़ी उठा ली है और भागते हैं गाइज इससे बच के नीचे। गाइज यहाँ पर मैंने जादू की छड़ी उठा ली है, बहुत बढ़िया गाइज बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या मैं इससे जादू कैसे करूँ गाइज मुझे समझ नहीं आ रहा। और गाइज ये तो आँख बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है मुझे। गाइज मुझे कहीं और जाके कुछ और ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले गाइज मैं इस रूम में चलता हूँ, यहाँ पर मैंने गाइज और कुछ ढूंढा नहीं है। यहाँ से मुझे एक बॉल दिख चुका है जो कि मुझे पता है गाइज कहाँ यूज़ आने वाला है। गाइज मैं इसे उठा लेता हूँ। गाइज ऐसा एक और बॉल हो सकता है, उससे पहले गाइज मुझे इस बॉल को ऐसा लग रहा है गाइज इसके नीचे फेंकना पड़ेगा, क्योंकि गाइज इसके आप शेप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही शेप है। और बॉल गया इसके नीचे जा सकता है गाइज, चला गया एक बॉल नीचे। और गाइज अब मुझे दूसरा बॉल ढूंढना है और यहाँ से टेलीपोर्ट होके उस सीक्रेट टनल में जाना है। मुझे ऐसा लगता है गाइज वहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है, उससे पहले गाइज मुझे दूसरा बॉल भी ढूंढना पड़ेगा। अब देखते हैं गाइज वो दूसरा बॉल मुझे कहाँ मिलेगा ऊपर। और कुछ ढूंढने की मैं ट्राई करता हूँ और देखता हूँ गाइज कुछ मिल जाए मुझे काम की चीज़ें। यहाँ पर गाइज और कुछ नहीं है, और इधर से भी मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन यहाँ भी गाइज कुछ नहीं है, और ऊपर से भी गाइज मेरे को कुछ नहीं मिला। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है गाइज नीचे ही मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। यहाँ से गाइज मैं आ चुका हूँ सीक्रेट रास्ते से दोबारा से नीचे।
और यहाँ चुड़ैल आसपास हो सकती है मेरे, मेरे को बच के रहना पड़ेगा गाइस उससे। और गाइस देखते हैं यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा यार, ऐसे तो कोई बात ही नहीं हो सकती, कुछ तो मिलना चाहिए यार यहाँ पर गाइस। एक अरे यार ये तस्वीर का आ रहा ऑप्शन। और गाइस इस गेट को मैंने खोला था लेकिन मैं गया नहीं था, और चुड़ैल गाइस वहीं खड़ी हो के पता नहीं क्या ही कर रही है। और गाइस यहाँ पर मेरे को दूसरी बॉल मिल चुकी है, और गाइस मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, मेरे को बस स्क्रीन को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना है। और गाइस मैं टेलीपोर्ट होके आ चुका हूँ दूसरी जगह, और इस बॉल का भी यूज़ ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर मेरी दूसरी कुकीज़ भी मिल चुकी है, और मेरा वो कुकीज़ और ढूंढनी पड़ेगी जिससे मेरा एक लाइफ और इंक्रीज़ हो सकता है। और गाइस यहाँ से मुझे एक और चीज़ मिला, मैजिक बुक। ओके गाइस अब मैं मैजिक कर पाऊँगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने छड़ी पकड़ी, सेकंड स्टेप में है गाइस मैं सांप को कैसे भगा सकता हूँ, थर्ड स्टेप में गाइस मैजिक के ट्रिक है, और फोर्थ स्टेप में गाइस सांप बेहोश हो सकता है या कुछ हो जाएगा सांप को। गाइस मैं इसे यहीं फेंक देता हूँ, और गाइस यहाँ से मैं इस डोर के थ्रू बाहर निकल सकता हूँ। गाइस यहाँ पर एक हड्डी फंसा हुआ है, इसे हम निकाल देते हैं, और गाइस चलते हैं अब बाहर। मैं उसी रास्ते में आ चुका हूँ गाइस, और मैं बच चुका हूँ यहाँ से। गाइस यहाँ से मुझे पता है अब मुझे क्या करना है, उस सांप के पास जाना है। और गाइस ये कहाँ गई भाई साहब, रुक जा भाई साहब। इसे गाइस फेंकते हैं यहीं पर, और गाइस अब मैं ऊपर जाता हूँ ताकि गाइस इससे बच सकूँ। आजा भाई आजा, जल्दी आ ऊपर आ, जल्दी आ ऊपर आ जा, जल्दी आ जा। देखते हैं गाइस कब तक आती है ऊपर। मेरे ख्याल से गाइस उसने मुझे देखा नहीं और वो जा चुकी है यहाँ से। मुझे उस रूम में जाना पड़ेगा गाइस जहाँ पर मैंने वो स्नैक देखा था। गाइस यही वो रूम, यहाँ से गाइस एक स्टेयर है जो कि ऊपर की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर गाइस यही वो स्नैक। अब मैं गाइस इस पर जादू कर सकता हूँ, अपना स्टिक निकालते हैं और गाइस मारते हैं इस पर मंत्र। ओह भाई साहब ये तो भाई साहब क्या ही बन गया। यहाँ पर गाइस एक कॉइन मुझे मिल चुका है, और इस कॉइन को गाइस मैं लगा सकता हूँ उस मेन गेट पे। गाइस ले चलते हैं इस कॉइन को जल्दी से नीचे, और लगाते हैं उस मेन गेट पे, और देखते हैं गाइस क्या होता है आगे। मेरे को गाइस उस चुड़ैल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ ही डोल रही है गाइस। का एक तो पिक्चर और इसका एक भूतिया कमरा। ओ भाई बोरी बोरी बोरी, आराम से गाइस आराम से गाइस। यहाँ पर एक साइन है वाई मेरे को ऊपर लगाना है, मैंने इसे लगा दिया है और उसने मुझे अभी भी नहीं देखा है। गाइस एक साइन तो मुझे मिल चुका है, एक टोकन मुझे मिल चुका है गाइस, और दो टोकन का इंतज़ाम मुझे करना पड़ेगा। और गाइस मुझे पता है एक टोकन कहाँ मिल सकता है गाइस, मेरे को तीसरी कुकी भी मिल चुकी है, और गाइस मुझे एक लास्ट कुकी ढूंढनी पड़ेगी अपना लाइफ इंक्रीज़ करने का। लेकिन गाइस इसका तो टेंशन ही नहीं है, मुझे गाइस सबसे पहले उस टोकन को ढूंढना पड़ेगा जो कि गाइस मेरे को और दो टोकन की ज़रूरत है। और गाइस मेरे को अभी भी एक ही टोकन मिला है, और मुझे पता है गाइस दूसरा टोकन उस चुड़ैल के गले में है, जो कि गाइस आप देख सकते हो। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे उसके गले में वो टोकन है। आजा आजा, देख 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 गाइस आप देख सकते हो उसके गले में एक दूसरा टोकन है। और गाइस ये टोकन मुझे चाहिए, उसके लिए क्या मैं इस मैजिक का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन गाइस ये मैजिक ट्रिक सिर्फ सांप के लिए था गाइस, ये मैजिक ट्रिक इस चुड़ैल के लिए तो बिल्कुल नहीं था। तो गाइस इसे एक बार ऊपर ले चलते हैं, और इसे घुमा के दोबारा से गाइस हम नीचे चलते हैं इस सीक्रेट रास्ते से, और देखते हैं गाइस हम यहाँ से और क्या चीज़ ढूंढ सकते हैं। यहाँ से गाइस मैं आ चुका हूँ दोबारा से नीचे, और यहाँ से गाइस कुछ मिल सकता है मुझे। वो यहाँ से मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ, यहाँ पर गाइस एक मैजिक ट्रिक है जो कि गाइस इस चुड़ैल को भी काबू करने के लिए। ओके गाइस मैं इस चुड़ैल पर भी अपना मैजिक ट्रिक अब चला सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है गाइस। आ जा अब चुड़ैल होगा इस, मैं ढूंढूंगा अब चुड़ैल, मुझे नहीं मैं चुड़ैल को ढूंढूंगा। आजा 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 आजा। और गाइस मैंने अपना मैजिक ट्रिक काम किया, लेकिन गाइस उस पर काम नहीं किया भाई साहब। मेरे को ऐसा लगता है गाइस वो मैजिक ट्रिक उस पर काम तो कर पाएगा, लेकिन गाइस मैंने सिचुएशन ही गलत ढूंढा। मतलब गाइस मुझे वो दूसरा टोकन भी लगाना पड़ेगा जिसके बाद वो मैजिक ट्रिक गाइस उसके काम आ सकता है, लेकिन गाइस उससे पहले मुझे वो दूसरा टोकन ढूंढना पड़ेगा। इस पर गाइस लॉक खुला हुआ है, मैं इस लॉक को यहीं फेंक देता हूँ, और गाइस अब मेरा मेन मोटिव है उस दूसरे टोकन को ढूंढना, और पता नहीं कहाँ है वो दूसरा टोकन, मुझे नहीं पता गाइस बिल्कुल भी। चलते हैं गाइस उस टोकन को अगर ढूंढ लेंगे तो गाइस ईजिली हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले मुझे उस टोकन को ढूंढना पड़ेगा, मुझे हर तरह से छानबीन करनी पड़ेगी। और गाइस यहाँ से मुझे एक चौथा कुकी भी मिल चुका है जिससे मेरी लाइफ हो चुकी है गाइस इंक्रीज़। तो दोबारा से गाइस मेरे को तीन लाइफ फिर से मिल चुका है,
गाइस यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ, मुझे गाइस वो तीसरा गाइस टोकन चाहिए और मुझे गाइस यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। एक बार अंदर चल के देखते हैं गाइस, क्या पता मुझे यहीं से कुछ मिल जाए। यहाँ से गाइस मुझे ऐसा कुछ तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा। गाइस इस साइड भी चलते हैं। यहाँ से गाइस मैंने नीचे जा कर ट्राई नहीं किया था। गाइस यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ और गाइस मैं आ चुका हूँ अब नीचे। गाइस वो तीसरा टोकन कहाँ हो सकता है मुझे नहीं पता। गाइस मुझे अच्छे से छानबीन करनी पड़ेगी। गाइस वो ट्रिक मुझे लगा था गाइस मैं काबू करके, उसके बाद उसे बेहोश करके, उसके बाद मैं गाइस अपना आगे का काम कर सकता हूँ। लेकिन गाइस गेम वाले भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उन्होंने गाइस ये रखा ही नहीं और गाइस मुझे मिल चुका है दूसरा टोकन भी। और गाइस अब मुझे लगता है मैं यहाँ से इस्केप कर पाऊँगा। गाइस मुझे पहले चुड़ैल का ध्यान रखना पड़ेगा, आके पीछे से गाइस पकड़ ना ले। और मुझे गाइस ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ लगाना है टोकन मुझे। मुझे गाइस ये टोकन लगाना गाइस सबसे लास्ट में। अरे यार गाइस अभी भी मेरे पास 2 लाइफ अलाइव है, तो डरने की तो कोई बात नहीं है। गाइस मैं इजीली यहाँ से इस्केप कर सकता हूँ। उससे पहले गाइस मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और ये क्या शाइन मार रहा है कब से। गाइस उस टाइम तो मैं ईट नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार ये खुल चुका है और लग रहा है यही गाइस अगला रास्ता यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो गाइस फाइनली लॉक भी खुल चुका है और अब मैं जाने वाला हूँ सीधा गाइस मेन डोर पे। गाइस ये चुड़ैल बहुत ही तगड़ा डराती है भाई साहब, ऐसा लगता है खा जाएगी। अचानक ही आती है और हालत पतला कर देती है। गाइस यहाँ से मैं आ चुका हूँ नीचे और गाइस मेरे को अब इस टोकन को जल्दी से उठा के यहाँ पर लगाना है। और गाइस अब चुड़ैल से मुझे डरने की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है गाइस अब मेरा मैजिक है वो उस पर आराम से गाइस वर्क कर जाएगा। और गाइस कहाँ है चुड़ैल, गाइस आ चुकी है चुड़ैल। मेरे को गाइस पहले पोजीशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस मैं तैयार हो जाता हूँ अपना मैजिक ट्रिक निकाल के। और गाइस मुझे ऐसा लगता है, अरे भाई साहब ये मैजिक ट्रिक। गाइस अब मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ अलाइव है, तो गाइस मुझे बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा वो मैजिक ट्रिक काम क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं गाइस क्या होगा। मुझे अब समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है यहाँ से। और ये केज गाइस खुला हुआ इस बार और देखते हैं गाइस क्या होता है। गाइस मेरे को सबसे पहले वो मैजिक ट्रिक एक बार और देखनी पड़ेगी। गाइस मुझे देखनी पड़ेगी मैजिक ट्रिक। आ जा यही तो चाहता हूँ मैं। आ जा यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा गाइस इससे बचते बचाते हुए। और गाइस यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा और एक बार और उस मैजिक ट्रिक को देखूँगा और देखता हूँ गाइस उस मैजिक ट्रिक में क्या है। भाई साहब ये तो जा ही नहीं रही। आ जा पीछे, आप पीछे। नहीं नहीं इसे जाने देते हैं। और गाइस मैं ऊपर चढ़ने वाला हूँ और देखने वाला हूँ एक बार और ये मैजिक ट्रिक को जो कि मैंने फेंका था। कहाँ गया भाई, कहाँ गया यार, ऐसे स्कैम मत करो यार। ये रहा गाइस ये मैजिक ट्रिक, इसे एक बार और देख लेते हैं। ओके गाइस मुझे बिजली की तरह बनाना है तभी गाइस ये वर्क करेगा। और गाइस देखते हैं, आ जा मैंने निकाल दिया है। और मुझे अब क्या ये ट्रिक गाइस अभी भी ये वर्क नहीं कर रही। भाई साहब क्या होने वाला है गाइस मुझे नहीं पता, पता नहीं कैसे वर्क करेगा इस पे ट्रिक। और एक बार और गाइस मैं इसे अपने पीछे तो ला रहा हूँ, लेकिन क्या ये वर्क कर क्यों नहीं रहा गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा। इस बार तो मैंने गाइस सही इंस्ट्रक्शन भी फॉलो किए थे। एक बार और गाइस ट्राई करेंगे इस पे। और गाइस एक बार और गाइस मैंने ट्राई किया और इस बार गाइस मेरा ये मैजिक ट्रिक वर्क कर चुका है। और गाइस क्या ये मेरे को तीसरा टोकन मिल चुका है। ओके गाइस मेरे को तीसरा टोकन मिल चुका है और अब मेरे को यहाँ से बाहर निकलने से कोई नहीं रो सकता यार। ये मैजिक ट्रिक भी बहुत हार्ड था गाइस, वर्क ही नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर गाइस ये वर्क कर चुका है और यहाँ पर मैंने तीसरा टोकन भी लगा दिया है। और गाइस मुझे ऐसा लगता है यहाँ से मैं एग्जिट कर सकता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ से इजीली निकल चुका हूँ और यहाँ पर गाइस हमारा गेम सक्सेसफुली ख़त्म होता है। हमने सक्सेसफुली एस्केप किया इस चुड़ैल के भयंकर से घर से। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस आप ऐसा ही गेमिंग रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।